हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने बेसिक कुछ फार्मूले दिए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कुछ एमसीक्यूज भी मैंने वहां पे सॉल्व करके दिए थे। आज भी मैं जो सेकंड वीडियो है इसका पूरे के पूरे जितने भी इसके आईएमपी मतलब जितने मैंने पहले बताया बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लूंगा लेकिन मीडियम जो 20 क्वेश्चन आते उससे थोड़े हार्ड होते वो 20 क्वेश्चन ऐसे 40 क्वेश्चन की तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग। तो जो एमसीक्यूज है पहले एमसीक्यूज मैं पढ़ने जा रहा हूं, लिखना है तो लिख सकते हो। पहला एमसीक्यूज है ग्लोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम रिक्वायर्ड 5 मिली एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इट कैन कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0.5 एम्पियर By connecting the sent resistance. तो sent resistance कितना होगा ये क्वेश्चन से हमारे लिए। तो S is equal to formula था I minus IG into G ये था। तो S is equal to IG है मेरे पास 5 × 10⁻³, I मेरे पास 0.5 और इसको convert करके भी लिख सकता 0.005 multiply 99। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 99⁻³ डिवाइडेड बाय इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं रफली करके दिखा रहा हूं, बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 0.005 ये हो गए 10 में से 5 यहां पे 9 यहां पे 4 मतलब यहां पे बच्चों हमारे पास 0.495 यस इज इक्वल टू 5 × 9 = 45 4 carry 5 × 9 = 45 और 4 ये 10⁻³ मतलब ये पॉइंट शिफ्ट कर दिया 1 2 3 10⁻³ का आ गया शिफ्टिंग पॉइंट और ये 0.495 सेम ही कैंसिल मतलब 1 ओम इतना यहां पे सेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे लिए जो सेकंड क्वेश्चन यहां पे जो मैंने लिखा है आपको दिखाई तो दे रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके देखो बच्चों ये लाइट चमक रही है यहाँ पे IG is equal to 5 mA है तो IG को मिली एम्पियर से एम्पियर किया 10⁻³। क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं जो सेकंड क्वेश्चन है एन एमीटर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस कैन रीड 5 मिली एम्पियर इफ इट इज टू बी यूज टू रीड 100 वोल्ट How much resistance is to be connected in series? तो connected in series resistance कितना करना पड़ेगा मतलब voltmeter का question जैसे question से यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोगों को series में कितना connect करना पड़ेगा circuit में ये बताना है हम लोगों को। तो हमारे पास यहाँ पे इसके लिए जो formulas है पहले मिटा रहा हूँ calculation पे तो हम लोगों को R निकालना है बच्चों यहाँ पे तो R के लिए फार्मूला हमारे पास V/IG-G ओके तो V है मेरे पास 100 IG है मेरे पास 5 × 10⁻³ माइनस 5G की वैल्यू 5 है तो R इज इक्वल टू 5 × 2 = ये हो गया 20 ये ऊपर गया माइनस का प्लस 3 माइनस 5 तो 30 बढ़ाना है मतलब ये 1 2 3 1000 मल्टीप्लाई है ना माइनस 5 मतलब 20,000 में से 5 गए तो कितने होते 19,995 है ना यही होगा ना इतना ओहम रेजिस्टेंस सीरीज में आपको लगाना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन से मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं मैं अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ एमसीजी इज 0.25 टेस्ला The coil has an area of 0.2 meter square and has 28 turns. L1 के turn जो है 28 turns. The sensitivity of the MCG, is to be increased by जो increase हो रही है वो sensitivity की values दे रहा हूं मैं देखो S2 की जो value है 25% ऑफ N1 है तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको बताओ तो ये परसेंटेज में निकलना है तो
सॉरी ये यस वन से है, ये भी यस वन परसेंटेज है। तो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल शुड बी, तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए ये क्वेश्चन है। अज्यूम ऑल अदर द थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, बाकी सब क्वांटिटी कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है। तो हम लोग सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला लिखते थे यस इज इक्वल टू एन बी ए बाय सी, लिखता है कि नहीं सेंसिटिविटी के लिए फार्मूला। ओके बाकी कॉन्स्टेंट है तो यस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न ऐसे लिखेंगे, देखो लिख सकते हैं कि नहीं। तो मुझे यहां पे एन टू की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। ओके तो हम क्या करेंगे एन टू बाय एन वन, तो यस टू बाय यस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन टू की वैल्यू मुझे निकालना है, एन वन की 28 है देख लेना यहां पे, यस टू कितना है पता नहीं है, आई थिंक यस टू पता है मुझे है ना, तो यस टू है मेरे पास 125 डिवाइड बाय 100 इंटू यस वन डिवाइडेड बाय यस वन, तो यस वन से यस वन मर गया बच्चों, तो एन टू इज इक्वल टू 25 के टेबल में ये 5 ये 4 मल्टीप्लाई 28, समझ में आ रहा है बच्चों। देखो 25 5 25 4 100 ये 28 मल्टीप्लाई डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई जाने वाले, ये 7 हो रहे 4 7 28, तो एन टू इज इक्वल टू 5 7 35, इतने नंबर ऑफ टर्न यहां पे होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। ओके नेक्स्ट 4, 5 एंड 6 जो एग्जांपल है, देखो एग्जांपल है मेरे पास यहां पे जो फोर्थ नंबर का लिखा है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं मैं। द कॉइल ऑफ ग्लैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, दोबारा पढ़ रहा हूं, द कॉइल ऑफ अ ग्लैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स एंड इफेक्टिव एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेस्टोरिंग कपल इज सीधे वाला 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल, द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीसेस इज 5 टेस्ला बीरी वाला है। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ दिस ग्लैनोमीटर विल बी, करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी ये सवाल हमारे लिए है। तो इसके लिए क्या फार्मूला था बच्चों हमारे लिए करंट सेंसिटिविटी के लिए, बताओ एन बी ए डिवाइड बाय सी, तो डी थीटा बाय डी आई नंबर ऑफ टर्न है 100, बी है मेरे पास 5 और ए है मेरे पास 10⁻⁴ लिखने से कोई फायदा नहीं है, सी है 10⁻⁸। तो बच्चों यहां पे 5 × 10⁻⁴, मुझे बताओ 10⁻⁸ ऊपर गया तो +8 होगा और ये 10⁻² है 100 मतलब 10⁻⁰ और ये -4, तो 5 × 10⁻⁶, 10 में से 4 गए तो 6 रिमेनिंग रहते बच्चों है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो इसीलिए ये 10⁻⁶ को देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 5 × 10⁻⁶, ऊपर आने के बाद +6 होता है, तो इसको लिखेंगे 5, एंगल गिनते हैं रेडियन में और करंट गिनते एम्पियर में, लेकिन ये -6 होने के कारण माइक्रो एम्पियर लिखा है मैंने यहां पे, क्या लिखा बच्चों माइक्रो, देखो थीटा होता है रेडियन में और ये चेंज इन करंट होता है एम्पियर, लेकिन माइक्रो क्यों -6, इसलिए ये ऑप्शन मेरे पास नहीं, मतलब कभी कभी आंसर सही आने से नहीं चलता, हम लोगों को देखना पड़ता है, वेरी करना पड़ता है, मतलब इसको देखना पड़ता है कि यार सही में हमारा आंसर इस टाइप में है या नहीं है। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए 5th नंबर का, तो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, देखो स्टूडेंट यहां पे अ प्रोटॉन बीम एंटर द मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा पढ़ाओ अ प्रोटॉन बीम एंटर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁴ वेव पर मीटर स्क्वायर नॉर्मल, इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 10⁻⁰ कूलम पर केजी,
and velocity 10 raised to 9 meter per second. Then the radius of the circle described will be. So radius kitni hogi? Ye mere paas yahan pe sawal hai. Okay. So R is equal to formula hai. यहां पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है एम वी बाय क्यू बी. लेकिन मेरे पास क्यू बाय एम है तो आर इज इक्वल टू वी क्यू बाय एम है ना. डिवाइड न्यूमरेटर मतलब डिवाइड का डिवाइड होता है ना, वो तो बराबर है ना. देखो ये न्यूमरेटर डिवाइड का डिवाइड होता है. वेलोसिटी है मेरे पास 10 रेज टू 9, क्यू बाय एम चार्ज पर यूनिट मास कूलम पर केजी इसलिए मैंने लिखा था 10 रेज टू 11 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू मेरे पास 10 रेज टू माइनस 4 तो आर इज इक्वल टू 10 रेज टू 13 10 रेज टू माइनस 11. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. देखो ये ऊपर गए 4 तो प्लस 9 प्लस 4 13 ये 10 रेज टू 11 प्लस ऊपर जाने से माइनस हो रहा है. तो आर इज इक्वल टू 10 रेज टू 2 मीटर मतलब इसको हम लोग 100 मीटर लिख सकते हैं. 10 रेज टू 2 मतलब क्या है 100 मीटर होगा. ओके समझ में आ रहा है स्टूडेंट. नेक्स्ट जो 6 नंबर का जो सवाल है मेरे पास यहां पे वो पढ़ने जा रहा हूं. आपको लिख के लेना तो लिख सकते हो. द मैक्सिमम वेलोसिटी टू व्हिच अ प्रोटॉन, दोबारा पढ़ रहा हूं, द मैक्सिमम वेलोसिटी टू व्हिच अ प्रोटॉन कैन बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज. 10 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी दी वाली फ्रीक्वेंसी एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को यहां पे वेलोसिटी निकालना है. तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला है टॉइस पाय आर एफ. यह फार्मूला है मेरे पास. फ्रीक्वेंसी दी वाली है 10 मेगा. मेगा मतलब 10 रेज टू 6 लेकिन ये 10 है. 10 रेज टू 6, 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 7. सेंटीमीटर को मीटर करना है तो हम लोगों को 10 रेज टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू मेरे पास 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 और जो एफ है वो 10 रेज टू 7 है. तो वी इज इक्वल टू बच्चों यहां पे 3.14 इंटू 100. समझ में आ रहा है 50 गुना 2 100, ये 10 रेज टू माइनस 2, ये 7. 10 रेज टू 2 लिख सकते हैं 100 को तो ये इसे ये मर जाएगा. तो v इज इक्वल टू 3.14 इनटू 10 रेज टू 7 वेलोसिटी इन मीटर प्रति सेकंड. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सभी ऐसा यूनिट है इसलिए मीटर पर सेंटीमीटर है, मीटर पर सेकंड है, सॉरी मीटर पर सेकंड. यहां पे ध्यान देना पड़ता है बच्चों यूनिट क्या दिया है इसके ऊपर फोकस करो ज्यादा करके. ओके समझ में तो आ रहा है आपको. देखो बच्चों यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं. ओके 7, 8 और 9. तो 7 नंबर का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूं, लिख लेना है बच्चों आप लोगों को. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेशन प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेलरेशन करना इन साइक्लोट्रॉन दैट इज ऑपरेट एट एन ऑक्सीलेटर. In a cyclotron that is operated at an oscillator, frequency 12 megahertz is approximately. So magnetic induction कितना होगा? तो बच्चों mass of proton fix है, याद होना चाहिए 1.67 10 to minus 27. Okay, proton और mass of electron होता 9.1 into 10 to minus 31 kg. याद करना पड़ेगा. तो frequency जो वाला हम लोगों को यहाँ पे जो b है, ओके बी निकालना है. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिख के लिए फार्मूला क्यू बी डिवाइड बाय टॉइस पाई एम मास ऑफ प्रोटॉन. मुझे बी निकालना है, क्या करना पड़ेगा? टॉइस पाई मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाय क्यू, है ना क्यू. और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये भी याद होना चाहिए. 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम होता है, ये याद होना चाहिए. बी इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ द प्रोटॉन है मेरे पास 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 12 इंटू 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19. मैं अप्रोक्सिमेटली इसको खत्म कर रहा हूं. ओके तो बी इज इक्वल टू 12 फोर जा 48, 4 कैरी
12 ones are 12 और ये 4 हो गए 16, 1 carry, 37, okay, point, multiply ये 2, मतलब ये दोनों का multiplication हुआ था, तो ये हो गए 19 ऊपर गए बच्चों, तो plus होगा 19 और 6 होते 25, मतलब 25, 27 में से गए तो minus 2, तो B is equal to 16, 1 carry, ये हो गया 13, 1 carry, 14 और ये 15, 1 carry, 6 और ये 7, ओके, तो ये आ रहा है, तो ये 0.10-2 अगर शिफ्ट करते हो, तो 0.7536, approximately उसका आंसर यहां तक मैच करना चाहिए, 0.8 टेस्ला, दिखाई तो दे रहा बच्चों आप लोगों को, ओके, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट, एक नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास, तो एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, देखो यहां पे आप लोगों को नोट करके लेना है तो ले सकते हो, अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 होल्ड एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करना है, इफ द नंबर हैज द कॉइल रेजिस्टेंस 480 ओम एंड सेंड 20 ओम, सेंड कैसे 20 ओम, द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, तो रीडिंग कितना करेगा एमीटर, करंट कितना एमीटर रीडिंग कर रहा है, कितना फ्लो रहा है एमीटर, अब ये पैरेलल क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि जो भी आपका ग्लोनोमीटर को पैरेलल में होता है सेंट रेजिस्टेंस तो एमीटर होता है, ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके, तो इसका इक्वलेंट क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो 1/20 और 1/48, तो ये 48+20 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना 2480, तो 1/इक्वल है ना, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है बच्चों, तो ये पे हो रहे 500 और ये हो रहे 9600, 0 से 0 मर गया, उसको इक्वलेंट निकालना रेजिस्टेंस तो उल्टा करना पड़ता है, मतलब 96/5, तो आर इक्वलेंट मिलेगा यहां पे डिवाइड बाय 5, 5 1 1, यहां पे 4, 9 जा यहां पे 10, 2 जा ओहो, ये आर इक्वलेंट मिल रहा है मुझे, ओके, लेकिन ये और ये सीरीज में हो गया, ऐसे हो गया ना अभी, तो ये सीरीज में हो गया, ये था मेरे पास 40.8 और इसका इक्वलेंट मिल रहा है मुझे 19.2, सीरीज में हम लोग ऐड करते बच्चों, तो 40+8+19+2, तो R इज इक्वल टू, ये हो गया 20 और ये 40, 60 हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है, मुझे करंट निकालने के लिए फार्मूला V बाय R है, V इज इक्वल टू R ओम्स का पता है ना आपको, तो V कितना है मेरे पास अभी, V है 30 और ये R है 60, 0 0 कैंसिल, 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर, इतना यहां पे एमीटर जो है वो करंट रीडिंग कर रहा है यहां पे, ओके, नेक्स्ट जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, यहां पे पहले डायग्राम ड्रॉ करके लेना आपको, और इसी डायग्राम को मैं पढ़ने जा रहा हूं, इन द सर्किट शो बिलो, जो सर्किट दिया वाला वो लिख लेना आपको, ओके, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन द सर्किट शो इन बिलो द एमीटर एंड होल्ड मीटर रीडिंग आर, एमीटर एंड होल्ट मीटर रीडिंग आर, जो रीडिंग दी वाली है 3 एम्पियर एंड 6 होल्ट रिस्पेक्टिवली, एमीटर कर रहा है 3 एम्पियर और होल्ट मीटर 6 होल्ट रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज, तो आर कितना यहां पे रीडिंग कर रहा है, तो ऑप्शन में पढ़ने जाऊंगा पहले, ग्रेटर देन 2 ओहम, लेस देन आर इक्वल टू 2 ओहम एंड डी ए लेस देन 2 ओहम यहां पे दिए वाले है, ओके, तो मैं यहां पे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहा हूं, मुझे बताओ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आर, वी है मेरे पास 6 और ये मतलब 2, बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ओहम रेजिस्टेंस, नहीं यही लिखते और ऑप्शन दिया है बी 2 ओहम, मुझे बताओ ये एमीटर में
एक रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, सेंट रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ये आर इज लेस देन 2 ओम होगा, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समझो 0.1 भी रहा तो इसकी वैल्यू 1.9 आएगी, जो भी आएगी मतलब लेस होगा, कम होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तो होप है बच्चों कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते होंगे, जितने भी करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर चुका हूँ, मैग्नेटिज्म EMI दो चैप्टर बाकी है, दो में खत्म हो जाएंगे ये भी, तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन जो 5 चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा 2 दिन में, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हो, बता सकते हो कि सर मुझे एग्जांपल नहीं आ रहा है, तो अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो पढ़ने के लिए मेरे तरफ से बेस्ट लक।